मंत्रालय जाएंगे, शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे, शाम 5 बजे पथ निर्माण विभाग की समीक्षा में शामिल होंगे। तो रांची से खबर, सीएम रघुवर दास का आज का कार्यक्रम आपको बता दें कि 11 बजे मंत्रालय जाएंगे, शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। आज से पूर्णिया में फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड क्रॉप साइंस की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल लालजी टंडन शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 4 जुलाई तक चलेगा। राज्यपाल सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे। कार्यक्रम में वाइस चांसलर, पूर्णिया विश्वविद्यालय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट बिहार सरकार अमीर सुभानी, राज्यपाल के सलाहकार आरसी सोबती उपस्थित रहेंगे। वहीं अतिथि के रूप में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर विवेक कुमार सिंह और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी नेपाल के वाइस चांसलर घनश्याम दास भी मौजूद रहेंगे। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर इंसेफेलाइटिस से हुए बच्चों की मौत को लेकर सरकार के खिलाफ मुजफ्फरपुर से पटना तक पदयात्रा करेंगे। कुशवाहा की ये यात्रा नीतीश हटाओ विश्व बचाओ नाम से पदयात्रा होगी। आज से 6 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी। उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करेंगे। भारत माता नमन स्थल से माल्यार्पण के बाद पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। बिहार में बीएड कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद भी कई सीटें खाली रह गई है। जिस सीटों को भरने का एक मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। खाली रह गए सीटों पर सीधे नामांकन के मामले में अब का कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक किसी कॉलेज को अपने हिसाब से एडमिशन लेने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि खाली सीटों की समस्या को हल करते हुए नई व्यवस्था भी नए सत्र के लिए गए हैं। इसमें वैसे सभी विद्यार्थियों का नामांकन लेने का निर्देश दिया गया है जो किसी भी कॉलेज की खाली सीटों के लिए आवेदन करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में भी सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा जो बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सफल हो सके थे। नई गाइडलाइन के मुताबिक 3 जुलाई से पहले कोई कॉलेज नामांकन नहीं ले सकता। 3 जुलाई तक सभी कॉलेजों को खाली सीटों के लिए आए आवेदकों की सूची उपलब्ध करानी है। सीटी की क्वालिफाइंग लिस्ट से उनका मिलान होने के बाद नामांकन का अप्रूवल दे दिया जाएगा। कॉलेजों को हर हाल में 5 जुलाई तक नामांकन ले लेना है। 5 जुलाई के बाद नामांकन पर रोक लगी है। गौरतलब है कि बीएड में इस बार लगभग 35,000 सीटों पर नामांकन होना था जिसमें लगभग 4,000 से अधिक सीटें खाली हैं। रांची के मेन रोड स्थित सर्जना चौक से कचहरी चौक तक नो विंडर जोन घोषित कर दिया गया। नगर निगम एनफोर्समेंट टीम इसकी निगरानी खुद कर रही है। उनका कहना है कि जो भी दुकानदार फुटपाथ पर दुकान लगाता है और पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं 300 से अधिक वेंडरों को वेंडर मार्केट में जगह मिल गई है, पर अब भी कई ऐसे फुटपाथ दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें वेंडर मार्केट में जगह नहीं मिली है। वे वेंडर मार्केट के आसपास भटकने को मजबूर है।